हम लोग भी ना करेंगे। तो कह दिया ना, तो कहना कह दिया हाँ तो हो गया। अब बराबर को सुना है तो हमरा सुनो, तुमको जो कहना था कह दिया, अब हमरा सुनो। बोल रही है, छोड़ दे। नहीं बोल पा रही है, बहुत तबियत खराब है, चक्कर आ रहा है। तू बोल, हाँ तुम्हें तो बोल ही रही, परेशान ना हो। मुंबई बोल रही है, नहीं बोल पा रही है, बहुत तबियत खराब है, चक्कर आ रहा है। हाँ तुम्हें तो बोल ही रही, परेशान ना हो। अब बोलिए क्या कैसे करना है। हम लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग थे वो लोग हमें जाने नहीं दे रहे हैं। पूरी हमारी टीम से मारपीट किए हैं, हमारे भैया से मनोज आर कुमार पांडे उनसे मारपीट किए हैं, बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे, कार की वीडियो फोटो सब खींच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग, हमें जाने नहीं दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं ढंग से, ना रहने दे रहे हैं। घर से बोलते हैं घर से मत निकलो, बाहर मत जाओ, सब चीज में हम बहुत परेशान हैं। हमें यहाँ से निकालवा दीजिए प्लीज, हम नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। हम बिहार आके बहुत पछता रहे हैं, हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये अच्छा ठीक नहीं है। हम घर से बेघर है, ना हमें रहने का ठिकाना है, ना कुछ नहीं, और ये लोग हमें जाने भी नहीं दे रहे। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पूछो मत, ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हमें नहीं रहना। प्लीज हमें हमारे घर मुंबई पहुँचा दीजिए प्लीज। हम प्रशासन से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारे घर मुंबई पहुंचा दीजिए, हम बहुत तकलीफ में फंसे हुए हैं। सबसे गंदा ये रतौली गांव के लोग हैं, अच्छे नहीं है। हमारे साथ बहुत जोर जबरदस्ती, जब से आए तब से लेके अब तक हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे घर भिजवाइए प्लीज प्लीज। आप किस पर्पज से आए थे? हम मुंबई से आए, मैं ये फिल्म की शूटिंग करने आए थे इश्क दीवाना के लिए। मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ इस पिक्चर की, और हम तीन लेडीज इस मुसीबत में फंसी हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। रोज के इनके झगड़े, जब से ये शूटिंग चालू हुई है तब से ये झगड़े। यहाँ हमारी बदनसीबी कि हम इस गाँव में, और लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने से हम फंस गए। झगड़ा एक्चुअली हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बार बार परमिशन मांग रहे हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, लॉकडाउन में हमने मोदी जी की बात मानी, हम यहाँ रुक गए। पर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जैसे सुजीत सिंह राणा, चंदन सिंह या सुशील सिंह या सिंटू सिंह, ये लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। मुझसे एक्स्ट्रा बजट पर भी साइन करवाया, मैंने साइन भी इसलिए किया ताकि मेरी यूनिट सुखी रहे, मेरी यूनिट को कोई तकलीफ ना हो। मेरी यूनिट की लड़कियों को ये कहा गया कि इनको लात मारकर निकाल दो, उनको खाना देने में तकलीफ दी जा रही थी। जब इन लोगों ने मुझसे शिकायत की, इनकी बात मैंने मानी, और इनको मैंने अपनी तरफ से कैसे कैसे कोशिश करके, जब मैं इनको बाहर भेज रहा था, मैं टेलीफोन कर रहा था, या प्रशासन से भी पता कर सकते, मैंने सबको फोन किया परमिशन के लिए, जिसपे उनके बेटे जेपी सिंह ने कहा, चंदन सिंह ने कहा कि हम लोग अभी परमिशन लाकर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग परमिशन के लिए वहां खड़े थे मध्य विद्यालय में, तभी सिंटू सिंह और सुशील सिंह आकर दोनों ने हाथापाई की। हमारे बीच का लड़का गोविंद पांडे को इन लोगों ने मारना चालू किया, जिसपे हमारे बीच की लड़की जो है इसको भी अटैक करने गया। जब बीच में मैं बीच बचाव करने आया तो मेरा मोबाइल भी छीना गया और मुझे धक्का दिया गया, मैंने हाथ बिल्कुल नहीं उठाया, सब लोगों ने देखा है। बहुत मजबूर होकर कैसे कैसे हम लोग वहाँ से प्रशासन पे यहाँ चौकी में आने की कोशिश की हम लोगों ने। बीच में इन लोगों ने एक उसकी गाड़ी भी खड़ी कर दी थी, पानी की गाड़ी। आप क्या अब क्या चाहते हैं जो बताएं? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ और इनको चाहता हूँ इनको पनिश किया जाए, ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे। आगो।